सुप्रभात पिला माने आमे गत क्लास रे भू उच्चवाच मूर्तिका एवं अरण्य उपरे आलोचना करथिले। तबे आजिरो विषय वस्तु आजिरो प्रसंग जो पांचटी भारत रे साधारणत पांच प्रकार अरण्य देखा जाए सेगुड़ी कला क्रांतीय चिरहित अरण्य, क्रांतीय पर्णमोची अरण्य, क्रांतीय कंटाबुदा और गुल्म अरण्य और पार्वती अरण्य एवं जुआरिया अरण्य विषय रे आमे आलोचना करथिले। पांच प्रकार अरण्य अछि से विषय से भितर आम आज क्रांतीय चिरहरित अरण्य उपरे आलोचना करिबा। तबे आजिर प्रसंग आजिर विषय वस्तु क्रांतीय चिरहरित अरण्य। तबे एही क्रांतीय चिरहरित अरण्य प्रथमे लक्ष्य कर एही सुंदर जंगल को अरण्य को आमे क्रांतीय चिरहरित अरण्य बोली कहिबा। तबे एही क्रांतीय चिरहरित अरण्य काही के चिरहरित अरण्य कहा जाए चलो जानिबा। एही अरण्यर गच्छ गुड़िक सबुज पत्र रे वर्ष सारा आच्छादित होई सबुज दिसंती। वर्ष सारा सबुज पत्र रे आच्छादित होई सबुज देखा जांती तेणु एहाकु चिरहरित अरण्य कहा जाए। एही अंचल वर्षर प्राय अधिकांश समय वृष्टिपात आलोक उताप पाई थाए पिले एथरु स्पष्ट अनुमय हैला चिरहरित। चिर अर्थ सर्वदा सबु समय रे, हरित अर्थ सबुज सबुबले जहाँ सबुज देखा जाए जो अरण्य सेही अरण्य को आमे क्रांतीय चिरहरित अरण्य बोली कहिबा। एठी एही क्रांतीय चिरहरित अरण्य देखा देवार कारण हेउछे एठी वर्ष सारा सबु समय रे वृष्टिपात आलोक उताप पाई थाए तेणु गच्छ गुड़िक भल बढ़ी थाए एवं सबु समय रे एठी सबुज देखा जाय थाए। वृष्टिपातर परिमाण प्राय 200 सेंटीमीटर रु अधिक होई थाए। एवं शुष्क ऋतु कम समय पर आसी थाए एठी वृष्टिपात प्राय 200 सेंटीमीटर अधिक होई थाए एवं शुष्क ऋतु बहुत कम एठारे देखा दे थाए। एही अंचल रे अनेक प्रकार रो वृक्ष रे परिपूर्ण एक निर्दिष्ट ऋतु रे एगुड़िक पत्र झड़ा देउ नथिबारु कौनसी एक निर्दिष्ट ऋतु रे एठी पत्र झड़ा ए माने दियंती नाही देउ नथिबारु वर्ष सारा सबुज देखा जांती। गछ गुड़िकर उच्चता प्राय 60 मीटर किंबा अधिक होई थाए। बड़ गछ गुड़िकर पाद देश रे छोट छोट बुदालिया गछ देखा जाए। अनुकूल परिवेश हेतु एठारे घंच जंगल सृष्टि होई थाए। एठारे केते गुड़िए वाणिज्य उपयोगी वृक्ष देखा जाए यथा रोजवुड, इबोनी, मेहगानी, रबर, सिंकोना, चंदन, सिसु इत्यादि एही प्रकार अरण्य रे एही गच्छ गुड़िक देखा जांती। एवं एही अरण्य हिमालयर पार्वत्यमालार पादेश रे उत्तर पूर्व भारतर पार्वत्य अंचल रे पश्चिम घाट पार्वतमाला पश्चिम पार्श्वरे एवं आंडामान और निकोबर द्वीपपुंज रे देखा जांती। चिरहरित क्रांतीय अरण्य बा क्रांतीय चिरहरित अरण्य वर्ष सारा एही
अरण्य सबुज देखा जाए कौन सी निर्दिष्ट समय रे बा निर्दिष्ट ऋतु रे गछ गुड़िक पत्र झड़ा दे न थाए एवं प्रचुर परिमाणर जल उताप आलोक पाउथिबारु गछ गुड़िक सुविशाल एवं घंच होई वृद्धि पाई थाए एही गछ गुड़िक विभिन्न प्रकारर वाणिज्यिक कार्यरे मध्य लागी थाए तेणु लाभदायक याकु मध्य को लाभदायक जंगल बोली मध्य आमे कहिले भूल हेबो नाही। तबे क्रांतीय पर्णमोची अरण्य काहाकु कहिबा क्रांतीय चिरहरित अरण्य विषय जानिले क्रांतीय पर्णमोची अरण्य काहाकु कहिबा एही अरण्य भारतर अधिकांश अंचल देखा जाए एही अरण्यर विशेषत्व होउछि वृक्ष गुड़िक निर्दिष्ट ऋतु रे पत्र झड़ा दे थांती ग्रीष्म ऋतु रे 6-8 सप्ताह पई पत्र झड़ा दे थांती तेणु एही अरण्य को पर्णमोची अरण्य बोली कहा जाए एहाकु मौसमी अरण्य बोली मध्य नामित करा जायछि। एठारे वृष्टिर परिमाण 70 सेंटीमीटर रु 200 सेंटीमीटर मध्यरे होई थाए बुष्टिर परिमाण अनुसारे दुई प्रकारर पर्णमोची अरण्य देखिबाकु मिले जथा आद्र पर्णमोची अरण्य एवं शुष्क पर्णमोची अरण्य। अधिक वृष्टिपात अंचलरे आद्र पर्णमोची अरण्य देखा जाए एही प्रकार अरण्य सृष्टि पई वार्षिक वृष्टिपात परिमाण प्राय 100 सेंटीमीटर रु 200 सेंटीमीटर मध्य होई थाए एही अरण्य उत्तर पूर्व राज्य गुड़ी करे हिमालयर पादेश रे झाड़खंड पश्चिम ओडिशा छत्तीसगढ़ पश्चिमा घाट पर्वतमाला पूर्व पार्श्व देखा जाए। एठारे प्रचुर परिमाण रे सागवान गछ देखा जाए एहा व्यतीत अनेक वाणिज्यिक वृक्ष मध्य एठारे देखिबाकु मिले सेगुड़ी कहला बाउंश पियासाळ साल चंदन खैर अर्जुन मलबरी इत्यादि। शुष्क पर्णमोची अरण्य अपेक्षाकृत कम वृष्टि पाउथिबा अंचल देखा जाए एठारे वृष्टिपात प्राय 70 सेंटीमीटर रु 100 सेंटीमीटर मध्य होइथाय। कम वृष्टिपात जोगु एही अरण्य घंच होइनथाय एहार वृक्ष गुड़िक अर्थकारी होता है एही अरण्य भारतीय उपद्वीपर मालभूमि वर्षा पाउथिबा पार्श्वरे बिहार और उत्तर प्रदेश समतल अंचल देखा जाए। एठारे निंब पिपल साल सागवान इत्यादि गच्छ देखा जाए एही अरण्यर काठ साधारणत शक्त और मूल्यवान तेणु आवश्यकता पूरण पई बहुल भाव व्यवहृत होता है। यार केतक अंचल चाष कार्य करा बेले अन्य केतक अंचल पशुचारण व्यवहृत ताहले आमे क्रांतीय पर्णमोची अरण्य विषय आउ टिके आलोचना करिबा एहा एक निर्दिष्ट समय रे बा ग्रीष्म ऋतु रे 6-8 सप्ताह पई पत्र झड़ा दे थाए तेणु पत्र झड़ा दे थिबारु एही अरण्य अरण्य को पर्णमोची अरण्य बोली कहा जाए। पिले प्रथमे आमे आलोचना करथिले चीर हरित अरण्य केबे भी पत्र झड़ा दिए नाही मन रखिया को सहज हो पिले माने जेऊ अरण्य सदा सर्वदा सबुज देखा जाए ताहाकु चीर हरित अरण्य बोली कहा जाए एवं जेउठी पत्र झड़ा दे थाए निर्दिष्ट समय रे ग्रीष्म ऋतु रे 6-8 सप्ताह पई गछ गुड़िक पत्र झड़ा दे थांती ताहाकु पर्णमोची अरण्य बा क्रांतीय पर्णमोची अरण्य बोली कहा जाए थाए। एही अरण्य दी प्रकार रो एही क्रांतीय पर्णमोची अरण्य दुरी प्रकार रो गोटिए आमे कहिबा जेउठी अधिक वृष्टिपात परिमाण प्राय 100 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मध्य होइथाय ताकु आमे आद्र पर्णमोची अरण्य कहिबा
एवं जेउठी 70 सेंटीमीटर रु 100 सेंटीमीटर मध्य वर्षा होता है ताहाकु आमे शुष्क पर्णमोची अरण्य बोली कहिबा। किंतु दुईटी जाक अरण्य रे मूल्यवान काठ आमे पाइथाउ, विभिन्न प्रकार वाणिज्यिक कार्य रे व्यवहार करिथाउ एवं गृह कार्य रे मध्य व्यवहार होता है क्रांतीय पर्णमोची अरण्य रे। तबे पिले परवर्ती क्लास रे आमे क्रांतीय कंटाबुदा और गुल्म अरण्य विषय रे आलोचना करिबा। तुम मानक ठारु विरति नवा पूर्वरु तुम समस्तिंकु धन्यवाद।